जैसा कि आपको पता है कि बिहार पंचायत चुनाव कई चरणों में शुरू हो चुका है और कई चरण में बिहार पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है। ऐसे में आप जानना चाहते हैं घर बैठे कि आपकी पंचायत में, आपके गांव में कौन सा पोस्ट किस जाति के लिए आरक्षण है, यानी कि कौन से पोस्ट पर कौन से जाति के लोग लड़ सकते हैं चुनाव, ये आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने की कोशिश किया हो, जहाँ पे आप जान पाएंगे कि आप अपने पंचायत में मुखिया में चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, कौन से जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, मुखिया हो, समिति हो या सदस्य हो। ये कंप्लीट वीडियो में आप पूरा चीज बारीकी से समझेंगे और चेक कर पाएंगे आप भी अपने पंचायत का। तो चलिए शुरू करते हैं, आरक्षण कोटा के बारे में जानते हैं, कौन सा पंचायत में कौन सी जाति को आरक्षण है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में की लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। जैसे भी इस पे आएंगे कुछ ऐसा सेंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट है, आप जो भी जिला से आते हैं जैसे कि देख सकते हैं आरक्षण, तो आप जो भी जिले से आते हैं उस जिले पे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करें। जैसे कि मैं मधेपुरा जिला से, तो मैं मधेपुरा पे क्लिक करूंगा, तो आपका भी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, वो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है जिला मधेपुरा। अब यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, जिसका भी आप जानना चाहते हैं यहाँ पे सभी पोस्ट दिए गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मुखिया का जानना चाहता हूँ, तो मैं मुखिया पे क्लिक करूंगा। जैसे अब मैंने मुखिया पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक पीडीएफ आ गई, जो कि मधेपुरा जिला के सभी प्रखंड का हमें यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको राज होगा, जिला होगा और प्रखंड का नाम होगा। तो आपका भी जो प्रखंड, ये पीडीएफ है, बहुत बड़ा पीडीएफ है, हर प्रखंड का अलग अलग है, तो जो भी पीडीएफ में आपका प्रखंड है तो आप अपने पीडीएफ प्रखंड को खोज लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मुरलीगंज यहाँ पे प्रखंड है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर भी क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या दिया गया है। तो आपका भी जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, जैसे कि मैं देख ले तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10, इसमें कौन लड़ सकता है, बीसी लड़ सकता है। यहाँ देखिए बीसी अनुसूचित जनजाति जो कि महिला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ में आपको सबसे पहले अपना प्रखंड वाले पेज को निकालेंगे, उसके बाद अपना निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो भी है वो आप खोजेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखा रहेगा अनुसूचित जनजाति, जैसे कि मेरे केस में अनुसूचित जनजाति है, तो आपके को केस में पिछड़ा वर्ग भी हो सकता है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं मुखिया का, इसी तरह आप सरपंच का भी निकाल सकते हैं, सरपंच में कौन से पंचायत में कौन सा सीट, जैसे कि शंकरपुर है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 है जो अनारक्षित है, ठीक है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं आपके पंचायत में कौन सा पोस्ट किस जाति के लिए आरक्षण किया गया है, तो इस तरह आप जान सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो, उम्मीद करेंगे आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जिसन मिनटों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।